यूट्यूब चैनल अद्भुत शब्दबान पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। समस्त श्रोताओं से एक निवेदन करना चाहूँगा कि जिन श्रोताओं ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के पास में ही छोटा सा एक बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए श्रोताओं, अधिक समय खर्च न करते हुए आज की बड़ी महत्वपूर्ण कथा, बड़ी रहस्यमय कथा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, वह कथा मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो देखिए श्रोताओं, एक समय की बात है कि भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे और दोनों में वार्तालाप चल रहा था। तो माता पार्वती जी शंकर भगवान के गले में मुंडों की एक माला देखती हैं और उस माला को देख करके कहने लगीं कि प्रभु, आपके गले में ये माला है, इसमें ये मुंड किसके हैं? मुंड कहते हैं खोपड़ी, मूड़ का हिस्सा, सर। तो उस मुंडों को देख करके जब ये कहा तो शंकर भगवान कहने लगे कि पार्वती जी, अब तक आपके 108 जन्म हो चुके हैं और ये आपके ही मुंडों की माला मेरे गले में है। तो ये बात सुनकर के माता पार्वती कहने लगीं कि प्रभु, आप एक ही शरीर से हैं? तो शंकर भगवान कहने लगे, हाँ पार्वती जी, मैं एक ही शरीर से हूँ। तो माता पार्वती शंकर भगवान से क्या कह रही हैं कि देखिए भगवान, मुझे बार बार मृत्यु का सामना करना पड़ता है। एक गायक कलाकार ने यहाँ दो लाइन लिखी हैं, बार बार मुझे मरना पड़ता सुन भोला भंडारी, काया अमर होएगी मेरी मानो बात हमारी, पति सुनने को मन चाहत है अमर कथा कह दीजिए। अर्थात पार्वती जी कह रही हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, मुझे बार बार मरना पड़ता है और आप एक ही शरीर से हैं, तो प्रभु मुझे आप अमर कथा सुना दीजिए ताकि मैं अमर हो जाऊं। तो भगवान शंकर माता पार्वती की बात मान लेते हैं और कहते हैं कि पार्वती जी, ठीक है, मैं तुम्हें आज अमर कथा सुनाऊंगा, परंतु यहाँ कोई भी प्राणी इस अमर कथा को ना सुन ले। यदि किसी भी प्राणी ने यह अमर कथा सुनी तो सृष्टि के नियम में और विधान में परिवर्तन हो जाएगा, वह प्राणी अमर हो जाएगा और सृष्टि का नियम बदल जाएगा। तो माता पार्वती बोली कि प्रभु, आप ही कोई उपयुक्त स्थान देखिए। तो शंकर भगवान माता पार्वती को लेकर के अमरनाथ की गुफा में आते हैं और अमरनाथ की गुफा में आकर के भगवान शंकर अपना शंखनाद करते हैं। और यहां भी दो लाइन में आपको सुना रहा हूं कि भगवान शंकर ने इतने जोर से अपना कठोर शंख बजाया, शिव ने ऐसा नाद बजाया, बाने पंछी सकल भगाया, बोलो कहें तो कथा सुनाऊं भोले राम। अर्थात भगवान शंकर ने अपने शंख की ध्वनि से समस्त पक्षी, जीव जंतु और जो भी प्राणी थे वहां से भगा दिए और पार्वती जी से कहने लगे कि पार्वती जी, सुनो, मैं आपको अमर कथा सुना रहा हूं। तो भगवान शंकर जब पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे तो देखिए, विधाता की लीला कोई भी नहीं टाल सकता, जो सृष्टि का नियम है उसमें परिवर्तन कोई नहीं कर सकता। तो माता पार्वती जी उस समय सो जाती हैं और भगवान शंकर उस अमर कथा को सुना रहे हैं। यदि उस अमर कथा को माता पार्वती सुनती तो उससे अवश्य ही अमर हो जाती। उस अमर कथा को शंकर भगवान सुना रहे थे तो माता पार्वती जी जब सोई तो एक और विचित्र घटना घटित होती है कि उसी गुफा के एक, वहाँ एक पेड़ था, वृक्ष था और उसमें एक कोटर बना हुआ था, एक खोखड़ा था, यानी अंदर से पेड़ था वो खोखला हो गया था और उस खोखले वृक्ष में तोते का एक खराब अंडा रखा हुआ था, यानी उस अंडे में जीव नहीं था। उस समय जब भगवान शंकर ने, उसमें केवल जीव द्रव्य बना हुआ था, जब भगवान शंकर ने अमर कथा को कहना आरंभ किया तो उस तोता में जीव पड़ने लग गया। और यहां कवि ने एक बड़ा रोचक छंद लिखा है, सुन सुन कथा अमर भई काया, जीव परन को लाया, पार्वती सोती रही हंकारे देने लाया। अर्थात जब अमर कथा को भगवान शंकर ने कहा तो उस तोता की जो बॉडी थी, शरीर था, वो अमर होने लग गया, दिव्य होने लग गया।
और उसमें जीव पड़ने लग गया और पार्वती जी तो सो गईं और वह तोता हुंकरा भरने लग गया। जब हम कथा कहते हैं, बात कहते हैं, कोई किस्सा कहते हैं तो हुंकरा सामने वाला देता है, हाँ करता है, तो वो तोता हाँ कर रहा है और शंकर भगवान अपनी कथा को सुना रहे हैं। श्रोताओं, जब भगवान शंकर ने अपनी संपूर्ण कथा सुना दी और वह उस तोते ने सुन ली जो अंडे से निकला था, उसका शरीर दिव्य हो गया क्योंकि वो मृत अंडा था, ये मानिए उसमें जीव नहीं था उस समय। और जब उसने अमर कथा का मंत्र सुना, शंकर भगवान द्वारा दिया गया, तो उसी मंत्र से उसका शरीर दिव्य हो गया, सृष्टि का नियम बदल दिया उस अंडे ने। श्रोताओं, कुछ समय बाद जब अमर कथा पूरी हो गई तो माता पार्वती जागती हैं और भगवान शंकर से कहने लगीं कि प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। शंकर भगवान बोले, क्यों पार्वती जी, क्या हुआ? कि मैं, आपने अमर कथा कही थी और मैं उस समय सो गई, मैंने तो आपकी अमर कथा प्रभु नहीं सुनी। तो शंकर भगवान बड़े क्रोधित हुए कि ये अमर कथा किसने सुनी फिर, मैं तो हुंकरा सुन रहा था, कोई प्राणी मुझे हुंकरा दे रहा था, वो हुंकरा देने वाला, हुंकारे भरने वाला कौन था? तो भगवान शंकर क्रोध से इधर उधर को देखने लगे। श्रोताओं, उसी समय जब भगवान शंकर ने क्रोध किया तो वो तोता विचार करने लगा कि अब मुझे शंकर भगवान जीवित नहीं छोड़ेंगे। अब मुझे शंकर भगवान जीवित नहीं छोड़ेंगे, ये विचार करके वह तोता डर की वजह से और उस खोंकड़े से जो कोटर था तोते का, उससे निकल करके भागता है तेजी से। और जब शंकर भगवान ने देखा कि ये प्राणी है जिसने अमर कथा सुनी है, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, भगवान शंकर ने भी अपना त्रिशूल उसके पीछे छोड़ दिया। श्रोताओं, भगवान शंकर का त्रिशूल उसके पीछे चलता जा रहा है और तोता आगे चलता जा रहा है। तो यहां भी एक दो लाइन मुझे याद है, ज्यो ज्यो तोता उड़ता जाता है, क्रोध शंकर का बढ़ता जाता है। अर्थात जैसे जैसे वो तोता उड़ता हुआ जा रहा है, शंकर भगवान का क्रोध बढ़ता हुआ चला जा रहा है और भगवान शंकर भी अपनी गगनगामी विद्या से उसके पीछे पीछे चल देते हैं। श्रोताओं, तोता घबरा रहा है और भगवान शंकर उसका पीछा दबाए जा रहे हैं कि आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, सृष्टि का नियम बदल दिया तूने। परंतु भगवान शंकर ये नहीं सोच रहे हैं कि मैंने इसे अमर कथा सुना दी है, ये अमर हो गया है और इसे मारने वाला इस संपूर्ण सृष्टि में कोई नहीं रहा है। और उधर तोता भी ज्ञान नहीं कर रहा है कि मुझे कौन मार सकता है, मैंने अमर कथा सुन ली है। परंतु तोता डर की वजह से भाग रहा है और शंकर भगवान क्रोध की वजह से उनका पीछा कर रहे हैं। श्रोताओं, तोता बहुत घूम रहा है पर उसे कहीं छिपने के लिए स्थान नहीं मिला। तोता भ्रमण करते करते इधर उधर भागते हुए चला जा रहा है। जब उसने देखा कि एक औरत, व्यास मुनि जो व्यास थे, वेद व्यास जी, उनकी औरत जिसका नाम अरुणी आता है कहीं कहीं, अरुणी और छत पर बैठी हुई केश सुखा रही थी, अपने बालों को सुखा रही थी। और जब उस अरुणी ने मुंह फाड़ा, जमाई ली, और तोता ने देखा कि मुझे ये उपयुक्त स्थान मिल गया, और जैसे ही उसने जमाई ली, तोता उसके मुंह के अंदर प्रवेश कर गया। जी हां श्रोताओं, उस औरत के अर्थात व्यास मुनि की पत्नी के मुंह के अंदर तोता प्रवेश कर जाता है। उसका शरीर मृत्य नहीं था, ये भी ध्यान रखें आप, मृत्युलोक का शरीर नहीं था, दिव्य शरीर था, शंकर भगवान की कथा सुनकर के शरीर दिव्य हो गया था। तो श्रोताओं, तोता उसके अंदर बैठ जाता है, पेट के अंदर, और गर्भ का रूप, क्योंकि दिव्य शरीर था, तोते का शरीर तो था उसका लेकिन दिव्य था, इस वजह से वह गर्भ का रूप धारण कर लेता है। अब भगवान शंकर ने सोचा कि यह तोता इस नारी के पेट में घुस गया है, और भगवान शंकर भी वहां अपना धूना लगा देते हैं, बैठ जाते हैं कि जब तू पैदा होगा उसी समय मैं तेरा वध करूंगा। श्रोताओं, वेद व्यास जी और अन्य बड़े बड़े ऋषिगण शंकर भगवान को समझाते हैं कि प्रभु आप जाइए, परंतु शंकर भगवान वहां से नहीं जाते हैं, तस से मस भी नहीं होते हैं, समाधि लगा करके बैठ गए कि जब ये तोता उधर से बाहर निकलेगा मैं उसी समय इसका वध करूंगा। तो श्रोताओं,
यहाँ भी एक बड़ी रोचक तरीके से गायक ने गाया है, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। कोई गर्भ बीच तोता ने और बरस बिताए दई बार, वो परेशान थी नारी जग दर्द मरोरा मारे। अर्थात उस तोता ने उस नारी के पेट के अंदर 12 वर्ष का समय व्यतीत कर दिया। अब वो नारी परेशान होने लगी, अर्थात व्यास मुनि की जो पत्नी थी वो बहुत परेशान हो गई, क्योंकि उदर के अंदर 12 वर्ष। और मैं आपको यही सुनाना चाह रहा था कि एक ऐसा बालक बता रहा था जो 12 साल अपने माता के गर्भ में रहा हो। तो श्रोताओं, वह तोता 12 वर्ष तक व्यास मुनि की पत्नी के गर्भ में रहा और डर की वजह से बाहर नहीं निकला। जब 12 वर्ष बीत गए तो स्वयं श्री हरि विष्णु और ब्रह्मदेव भगवान शंकर के पास आते हैं और कहते हैं, प्रभु आप यहाँ क्यों बैठे हैं, क्या कारण है? तो शंकर भगवान कहने लगे कि देखिए, मैंने अमर कथा सुनाई थी पार्वती को, उनको मृत्यु और जन्म से मुक्ति दिलाने के लिए, परंतु वो सो गई और ये अमर कथा इस तोते ने सुन ली और ये व्यास मुनि की पत्नी के गर्भ में बैठा हुआ। तो इस पर ब्रह्मा जी और भगवान श्रीहरि विष्णु बोली कि हे शंकर भगवान, आप सोचिए, जिसको आप स्वयं ने अमर कर दिया, आपने अमर कथा सुना दी, उसे तो कोई नहीं मार सकता। आप अपने ही नियम को तोड़ेंगे तो बताइए सृष्टि परिवर्तन होगा या नहीं होगा? हे भगवान, आप यहाँ से लौट जाएं और इन्हें जन्म ले लें। तो श्रोताओं, ब्रह्मा विष्णु के आग्रह से और व्यास मुनि के समझाने से स्वयं भगवान शंकर वापस लौट जाते हैं और उनके गर्भ से श्री सुखदेव जी का जन्म होता है। जी हाँ श्रोताओं, और यही कारण था, श्री सुखदेव जी 12 वर्ष गर्भ में रहे थे और अमर कथा सुनाना जानते थे। आपने सुना होगा कि राजा परीक्षित को भी सुखदेव जी ने अमर कथा सुनाई थी, परंतु परीक्षित जी अमर नहीं हो पाए थे। इसके पीछे भी एक थोड़ा सा रहस्य है, क्योंकि जो सुखदेव जी थे, जब उन्होंने अमर कथा शंकर भगवान से सुनी थी तो वो उसका कुछ अंश ही याद रख पाए, उसको भूल गए। ऐसे मान के चलिए कि 1 करोड़ रुपए का एक हीरा और एक 10 ट्रॉली, मान के चलिए 10 ट्रक एक रेत या बालू के टीले में खो दिया हो, तो श्रोता उसे खोजने में 10 ट्रॉली या 10 ट्रक रेत को छानना पड़ेगा, तब वो हीरा मिल सकता है। तो यही सिस्टम बना स्वयं सुखदेव जी के साथ। सुखदेव जी उसको भूल गए, उसका कुछ अंश याद रहा, और इसीलिए उन्होंने राजा परीक्षित को जब अमर कथा सुनाई थी तो उन्होंने पूरी महाभारत, वेद शास्त्र और पुराणों को सुना करके लाई थी। और अंत में उसमें एक भाग आया था जिसको परीक्षित ने झूठा माना और वो कच्चे रह गए और तक्षक ने उनको नाक में खाया था और इसीलिए परीक्षित की मृत्यु हो गई। तो श्रोताओं, यही कारण था कि सुखदेव जी अमर कथा सुनाना जानते थे। तो इस तरीके से महान विद्वान श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ और जो 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में रही थी। श्रोताओं, आगे की कथा मैं लेकर के आपको उपस्थित हो जाऊंगा। अब ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।